स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। यहाँ पे एक सीटेट का ही मैथ का क्वेश्चन है, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो हम जानते हैं घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। जब 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 6 घंटे में कितनी मिनट होंगी, 6 में डिवाइड कर देंगे 60 का, तो कितनी निकल गई, 360 मिनट। अब जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 360 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 21,600 सेकंड। यानी कि 6 घंटे में 21,600 सेकंड आई। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि कितने दिनों में ये जो सेकंड है, कितने दिनों में जो ये सेकंड है मिनटों के बराबर हो जाएंगी। तो देखिए, एक दिन में जो घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो अब इन्हें हमें घंटों में डिवाइड करना होगा दिन निकालने के लिए। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हमें इसमें पहले घंटे बनाने होंगे, तो घंटे के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे बन जाएंगे। कितने घंटे बन गए, 360। अब एक दिन में जैसे कि 24 घंटे होते हैं तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 में, तो 15 निकल गया। यानी कि जो ये सेकंड हैं 15 दिनों में जो मिनटों के बराबर हो जाएंगे। ओके,